नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों क्रैश कोर्स चलाया गया था, जिसमें अपने दोस्तों एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें संविधान की विशेषता के बारे में और संविधान के निर्माण के बारे में बताया गया था। आज दोस्तों मैं आपके सामने संघीय कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 माह के लिए लागू रहता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह, ठीक है। देखो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। उनके द्वारा इस प्रकार की जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है, जबकि संसद में समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 6 माह, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रश्न आया था दोस्तों पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में, भारत में प्रधानमंत्री होता है? तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री है ये नियुक्त होता है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव है वो किस वर्ष हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 4th नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, और किसके पास है ऐसे संवैधानिक अधिकार? तो वो है दोस्तों ब्रिटिश राजा रानी के पास, ठीक है। देखो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका होता है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश रानी या इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति काफ़ी अलग अलग है, लेकिन दोनों के पास संवैधानिक अधिकार वही है, ठीक है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और महाभियोग की कार्यवाही है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद द्वारा, किसी भी सदन में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निरूपित है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निरूपित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 55, ठीक है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई विवाद दोस्तों कहां पर भेजा जाता है? तो दोस्तों
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो तो वो कहाँ पर भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, चार नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों संसद के सदस्यों द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है सही उत्तर। देखो, अनुच्छेद 61 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने प्रकार के, तो दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल हैं वो घोषित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो एक तो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356, एक तो 352, एक है 356 और एक है 360, ये 3 आपातकाल है दोस्तों। ठीक है, 352 में है वो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 के अंतर्गत है राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वो है अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 आपातकाल हैं, 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल है जो 360 वाला है वो अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। तो दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति इसमें भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन भाग लेता है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो दोस्तों, संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, देखो, संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। दोस्तों, वीडियो है वो पूरा देखना, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जो अनुच्छेद 360 में आता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्तीय आपातकाल है वो दोस्तों कभी नहीं लगा अभी तक। तो इसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ठीक है, देखो ये 2 तो इसमें गलत दे रखा है। तो देखो, भारत का राष्ट्रपति अपने पद के पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार खड़ा हो सकता है अपना भारत में राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितनी बार, तो कितनी बार भी, जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है
उसे उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आंतरिक आपात स्थिति। एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आंतरिक आपात स्थिति, अब देखो कब लगा था ये, तो ये आपातकाल है ये 25 जून 1975 से, 25 जून 1975 से लेके दोस्तों 21 मार्च 1977, ठीक है। भारतीय इतिहास में 21 महीने का वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद हो गया, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक दोस्तों ये 21 महीने तक जो आपातकाल लगा था ये इंदिरा गांधी के काल में लगा था और इस समय राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, या नाम याद रखना। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो दोस्तों 35 वर्ष आयु है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए और ज़रूरी भी है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य नियमों में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आदि दोस्तों इसमें सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो 35 वर्ष 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो दोस्तों किसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो देखो ऑप्शन देखते हैं चार, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष इनकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक नंबर का ऑप्शन है वो सही और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो दोस्तों कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, तो वो है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा से निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है, और प्रधानमंत्री नियुक्त करने का भी अधिकार उनके पास ही है, ठीक है।
नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो होता है, तो ये दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, ठीक है। तो इसका दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य है वो बनने के लिए योग्यता अवश्य होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 0 रुपये होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 0 होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन है वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के ऊपर चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए? तो दोस्तों कौन थे वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखो, तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा था, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं उनसे भी वो हार गए थे जुलाई 2007 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भैरव सिंह शेखावत। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 352। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार, अक्टूबर 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद में दिसंबर 1971, फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, फिर 1975 जो वो लगा था दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर 21 महीने का लगा था। तो दोस्तों ये 3 बार है ये आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये दोस्तों भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखो, इनका कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 के मध्य रहा था, और वे एक परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना PURA पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया, ठीक है। और कलाम को आमजन का राष्ट्रपति यानी कि पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो दोस्तों किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है दोस्तों किसे? तो ये उपराष्ट्रपति को दोस्तों ये त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, यानी कि इसमें सब उल्टा है। उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है, तो क्या है, कौन सा अधिकार है?
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। तो दोस्तों यह है उसका क्या है, कौन सा अधिकार है, तो यह है दोस्तों उनका मौलिक अधिकार है। एक नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का समझौता है वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत या दोस्तों एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो दोस्तों महाभियोग की विधि है यो कहाँ से अपनाई गई है, तो ये यूएसए से अपनाई गई है, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, एक नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 में ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनसे दोस्तों किसी मामले में सलाह ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है कौन, राष्ट्रपति। यानी कि राय सबकी ले लें और करें मन की, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, राय मान भी ले नहीं भी माने, उसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, तो वो है राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस कौन सी स्थिति में अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। तो दोस्तों सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में दोस्तों कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, किसमें, राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने कर सकता है, तो 2 कर सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने मनोनीत करता है, तो दोस्तों टोटल है वो 14 सदस्य है वो मनोनीत करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। तो किसको संबोधित करके देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपराष्ट्रपति को, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितनी अवधि के भीतर, तो राइट आंसर है इसका तो 6 माह के भीतर, ठीक है, चुनाव करवाना आवश्यक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन राष्ट्रपति। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कब तक है, तो वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सन 1952 से 2012 तक सर्वाधिक अध्यादेश किस वर्ष जारी किए गए। तो दोस्तों सर्वाधिक अध्यादेश है वो कौन से वर्ष जारी किए गए, तो 1993 में जारी किए गए थे सर्वाधिक अध्यादेश, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस हैसियत से प्राप्त करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है कौन? उपराष्ट्रपति अपना वेतन, और उपराष्ट्रपति को वेतन है वो दोस्तों 0 रुपये मिलता है, उसका वेतन 0 रुपये होता है, लेकिन सभापति के रूप में राष्ट्रपति को है पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाए तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो दोस्तों कौन काम करेगा, तो वो करेगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद पर काम करेगा। अगर मान ले कि राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा, तो वो करेगा दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है, एज में जो सबसे बड़ा है तो वो दोस्तों इस पद का निर्वहन करेगा। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, यदि लोक सेवा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, सॉरी लोकसभा है, ठीक है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो किसको संबोधित करेगा, तो वो करेगा दोस्तों किसको, तो उपाध्यक्ष को, ठीक है, उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और वो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है इसमें 94B, याद रखना, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके और अपना त्यागपत्र है वो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो दोस्तों उसका अनुमोदन कितने दिनों बाद होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का जो अनुमोदन है वो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो इसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति है वो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा इस बारे में, तो कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो वो थे दोस्तों कौन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों कुल है वो 14 सदस्यों को नामित करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2, ठीक है, टोटल है वो 14 सदस्य है वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव,
या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है वो कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों महाधिवक्ता। दो नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है, तो किसने जांच की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने, तो वो है दोस्तों इसमें सरकारी आयोग ने। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। सरकारी आयोग के गठन वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच का सुझाव दिया गया था, और सरकारी आयोग द्वारा दोस्तों 1987 में अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है, भैरव सिंह शेखावत भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो ये थे दोस्तों 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है 48 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। ठीक है, 75 में भी कौन से हैं, तीन। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में किस प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, तो किस प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, तो दोस्तों सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, एक दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति की। ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो कौन से राज्य में लागू किया गया था, तो दोस्तों पंजाब में किया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है, संसद को संबोधित करने हेतु राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, तो वो तैयार करता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72(1)(ग) की व्यवस्थाओं के अनुसार मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, तो कौन क्षमा कर सकता है, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, तो कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, तो देखो तीन प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो वो है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है, तो इसका एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो दोस्तों आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, और अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।